हेलो, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और होम स्टे जो कि भवाली में है। नैनीताल, भीमताल और नौकुचिया ताल, सात ताल, इन सब के बीच में ये भवाली एक जगह है जो कि आप लोग मिस कर देते हो। ये अनटच्ड प्लेस है। तो चलो घुमाती हूँ जरा मैं आपको अपना होम स्टे। आओ जरा अंदर की तरफ। तो सबसे पहले ये हमें मिल जाता है यहाँ पे बहुत स्पेशियस सा डाइनिंग एरिया, जिसमें हम लाइक ये कोटेज है और इसमें हम 6 या 7 लोग रह सकते हैं आराम से। 6 लोग रह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 रूम्स है और 1 किचन है। लाइक आप फैमिली आ रहे हो तो इधर रह सकते हो, बाकी आप शेयरिंग में भी रह सकते हो। बहुत अच्छा किचन है। किचन की तरफ बाद में चलूंगी, पहले ही आप देख सकते हो कितना प्यारा है। और यहाँ पे थोड़ा ना ठंडा मौसम रहता है, जैसे आप लोग नैनीताल घूमे होंगे तो नैनीताल में बहुत ठंडा मौसम रहता है, तो उसके लिए इन्होंने दे रखा है कब जगह हीटर, और ये भी दे रखा है, बट ये मुझे पता नहीं है कैसे खुलेगा। तो अब चलती है सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में सब चीज अवेलेबल है यहीं की ही। ये देखो आप सारी चीजें, सारी कटलेरिया, और इधर भी सारे, मतलब जो भी कटलेरी और चाहिए होती है वो सारी कटलेरी इधर अवेलेबल है देखो। और ये भी नीचे फ्रिज है यहाँ पे, और फ्रिज के तरफ से सीधा हम इधर की तरफ चलते हैं तो हमारा किचन है। यहाँ से क्यों देख रहे हो, चलो जरा अंदर की तरफ। ये है किचन एरिया। तो ये है सारा किचन एरिया जो कि एक होमस्टे और एक कॉटेज में अवेलेबल होता है। यहाँ पे हमने अपनी मर्जी का खाना कुछ भी बना सकते हैं, सब चीज अवेलेबल है। मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, और देख लो आप सारी चीजें, सब चीज अवेलेबल है। बहुत सी चीजें हमें मसालों में यहाँ पे मिल भी गई है, और बहुत सी चीजें आपको पता ही है होम स्टे में लेनी पड़ती है। तो ये देखो आप, पूरा फिल है और जो आधा सामान है वो इस साइड है। और अगर बड़े बड़े बर्तन आपको चाहिए तो वो नीचे की तरफ रख रखे। तो ये हमारा किचन कंप्लीट होता है। किचन के बाद हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, और कॉमन वॉशरूम से ही इधर साइड में स्टार्टिंग से ही एक रूम है ये वाला। बाकी तो इस कोटेज के तीनों रूम बेस्ट है बहुत ज्यादा। कोई ऐसा नहीं है कोई एक खास हो या दूसरा कोई खास हो, सारे बहुत बेस्ट है। और अगर मैं यहाँ सामने सोई थी, और सामने का जरा व्यू देखो, पहाड़ ही पहाड़। और सच में यार यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम रहता है, और ना रात को ठंड भी रहती है, तो उसके लिए रूम में भी हीटर दे रखा है, फैन भी दे रखा है, अगर आप लोग गर्मी लगे तो रहते हैं। बहुत अच्छा मौसम रहता है। और अब हम इधर की तरफ चले तो आप सोच रहे होंगे वॉशरूम होगा, बट वॉशरूम के साथ यहाँ पे पहले ड्रेसिंग एरिया, ये ड्रेसिंग एरिया मिरर, और ये कबर्ड से इस साइड इतने सारा सामान, और फिर थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो ये वॉशरूम है, और यहाँ पे नहाने का बाथ का अलग से, और यहाँ भी पूरा ये देख भी सकते हो आप कितना बड़ा है, और टाइल्स भी हैं इधर। तो अब चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ, जो कि हमें अब स्टेयर्स जाना पड़ेगा, तो अब स्टेयर्स के लिए निकलते हैं। स्टेयर्स स्टेयर्स पे सारा वुड का काम हुआ हुआ है, पेंटिंग मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ये रहा एक, यहाँ पे दो रूम अवेलेबल है, और बाहर बालकनी है, बाहर बालकनी पे बहुत अच्छा व्यू आता है। तो क्या कहते हैं रूम लिखो, बालकनी, पहले रूम। तो इस रूम की तरफ चलते हैं। इस रूम में भी हमें ये बेडिंग और टीवी मिल जाता है सामने इस रूम में, टीवी के साथ साथ वही हीटर, फैन, और एक प्यारा सा बढ़िया सा व्यू यहाँ से भी। ऐसा कोई सा रूम नहीं है
जो आप मतलब मॉर्निंग में उठो और व्यू ना दिखे, ऐसा यहाँ कोई रूम नहीं है। तीनों रूम में सो और तीनों रूम से एक प्यारे प्यारे से व्यू दिखेंगे। तो इसमें भी ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम अवेलेबल है, अटैच है। मतलब ये ड्रेसिंग एरिया, कबर्ड्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कबर्ड्स है, अच्छा स्पेस है सामान रखने का। और इसके साथ ही यहाँ आए हम तो ये वॉशरूम, वॉशरूम में ऐसी पेंटिंग्स भी लगी हुई है, उसमें आइस की लगी हुई थी, इसमें ऐसी लगी हुई है। बाथिंग एरिया है ये वाला पूरा, और बाथिंग एरिया के साथ साथ आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप नेचर में बात लेना चाहते हो तो इसको खोल लेना, पहाड़ों के बीच में बात लेने वाला आपको एहसास हो जाएगा। बाकी ये मजाक है यार, आप अपनी मर्जी है जो खोलना, जो यहाँ से भी आप खोल सकते हो, बहुत अच्छा है। टॉवल अवेलेबल है और क्लीन, देख सकते हो आप कितना क्लीन है। ये भी बहुत अच्छा सा बड़ा सा इसका वॉशरूम है। तो चलते हैं हम भारत की साइड। मुझे इनके कर्टिन वाले एरिया भी बहुत पसंद आए, आप देख भी सकते हो कितने प्यारे तरीके से कर्टिन लगे हुए हैं और रूम से मैच होते हुए। और ये सामने वाले भी कर्टिन, ये वो मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा है ये ऊपर स्लाइड होते होंगे क्योंकि जिस तरीके से बने हुए हैं। बाकी हर विंडो पे कर्टिन डला हुआ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपकी प्राइवेसी का भी फुल ध्यान है। फिर ये बाहर का जो मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा सा झलक देख लो बस इतनी। ये यहाँ का सिटिंग एरिया है कि अगर आप यार यहाँ थोड़ा सा बैठना चाहते हो तो वो सिटिंग है। तो अभी इसी के बिल्कुल सामने, तो इसी के साथ ये वाला लास्ट रूम, इसमें भी बहुत अच्छी सी बेडिंग और दो दिए हुए हैं हर जगह ब्लैंकेट। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे सच में रात को 13 या फिर 14 के आसपास जा ही रहा है टेम्परेचर, तो इस वजह से क्योंकि ठंड हो जाती है रात में बहुत, इसीलिए यहाँ पे भी हीटर है, फैन है, फैन वही अगर आपका मन है। बाकी मैं अभी आप देख सकते हो दिल्ली में इतनी गर्मी है और यहाँ इतना ठंडा मौसम हो रहा है। अभी तो जस्ट मैंने ये पहन रखा है, अभी थोड़ी देर बाद मुझे ही देख लेना पूरे कपड़े पहने हुए भी, बट मैं लेकर नहीं आई हूँ, वो बात अलग है। यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ये रे सामने बड़ी विंडो, इससे भी बहुत प्यारा व्यू देखने को मिल जाएगा। तो अब वॉशरूम की बात करते हैं, इसमें भी अपना ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया के साथ ही अपना अटैच्ड वॉशरूम। इसका थोड़ा सा छोटा है वॉशरूम, औरों के मुकाबले थोड़ा छोटा है इसका वॉशरूम, बट यहाँ पे भी सच्ची अवेलेबल है, देख सकते हो आप इसका। बस ये थोड़ा बाथिंग एरिया भी थोड़ा कम है, एक टाइम में एक ही बंदा नहाएगा, वैसे तो एक टाइम में एक ही बंदा नहाता है, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। बाकी टॉवल टॉवल अवेलेबल है, स्पेस अच्छे अवेलेबल है यहाँ पे। और लैम्प, लैम्प तो यहाँ पे हर एक कोने पे है, अगर आप इसके ऊपर देखोगे शीशों के तो लैम्प, और अगर यहाँ से बाहर निकलोगे विंडोज के ऊपर लैम्प, ऊपर फैन की जगह लैम्प है। और मतलब बहुत प्यारे से ना एक अच्छे से विंटेज वाला लुक नहीं होता, लाइक विला वाला, वो वाला फील आया था मुझे यहाँ जब मैं आई आई थी स्टार्टिंग में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए भी यहाँ की वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग नैनीताल और सात ताल और भीमताल, उत्तराखंड की बहुत सारी जगह जैसे ऋषिकेश हो गया, देहरादून, अगर इससे बोर हो गए हो तो यहाँ आ जाओ दो दिन के लिए, यहाँ रहोगे ना मजा आ जाएगा। और यहाँ की खासियत बताऊं, पहले बालकनी दिखाती हूँ वहीं बताऊं। तो ये सिटिंग जो मैंने आपको दिखाई थी, सिटिंग आप देख सकते हो अच्छे से, आराम से दो तीन लोग बैठ सकते हैं सिटिंग पे। और हम बाहर चलते हैं, क्या कहते हो, कहाँ आई है आपके मुसाफिर, गलत अच्छी जगह आई है ना। तो ये बाहर का नजारा है और सुबह का भी इससे भी अच्छा था। और मैं यहाँ की जो आपको खासियत बता रही थी वो ये थी,
कि आप अगर इस होम स्टे में रहते हैं, इसका नाम है, ये होम स्टे नहीं है वैसे तो, कॉटेज है, जैन कॉटेज इसका नाम है, और अगर आप यहाँ रह यहाँ पे मतलब स्टे करते हो 2 दिन के लिए, तो आपको एक चीज का फायदा हो जाएगा, आपको जो चाय के बगान है वो देखने को मिल जाएंगे इजी वे में। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है बस, 100 मीटर, मतलब मैं पैदल चली गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ अगर थोड़ा सा यहाँ से दिखता है तो। जाओ जरा, ये जो आपको एरिया ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन वो डले हुए हैं, उसके पीछे का जो सारा एरिया है वो है अपना टी गार्डन, चाय के बागान। वहाँ चाय के बागान है, चाय के बागान की 40 रुपीज पर पर्सन टिकट है, और अंदर जान के अगर ड्रेस पहनी है तो वो 100 रुपीज। वो आपको वीडियोस अब शो हो रही होगी मेरी, एक आधी मैंने वीडियो डाल दिया, देखना आप कमेंट करके बताना, और अगर यहाँ की आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप बेझिझकों के कमेंट करो, सुबह शाम दोपहर रात 11, 12, 1 बजे तक भी कमेंट करो, क्योंकि मैं यार जब तक जगी रहूँगी ना तो आप लोगों को कमेंट का जवाब दूंगी। अगर आपको तुरंत के तुरंत बुक करना है जो भी है आप मुझे बताओ, और बाकी मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगी, आप उनसे सीधा कांटेक्ट करो। और बहुत प्यारा कॉटेज है यार ये, एक बारी तो चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन के लिए यहाँ विजिट करो, और यहाँ की जो शांति है ना, मतलब एक ना कैसे बताऊँ, इस टाइम चिड़िया की आवाज़ आ रही है आपको पीछे, पहले वो सुनो। तो यही है यहाँ पे, एक तो शोर शराबा नहीं है, शोर शराबे से हटके ऐसी जगह आने का अलग ही मन होता है यार। यहाँ पे कुत्ते के भौंकने की भी अलग आवाज़, चिड़ियों की चहकाने की अलग आवाज़ सुनाई देती है, तो रोक दो। और कुछ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर कर लेना जो कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ घूमने का प्लान बना रहे हो, 6-7 लोग जो प्लान बना रहे हो वो यहाँ आके रह सकते हो, और यहाँ पार्टी भी कर सकते हो, यहाँ बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, जो भी आप पार्टी करना चाहो आप यहाँ पे इन्हें बुक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आईडी मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम की, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा मतलब देखते हैं, तो इंस्टाग्राम की यहाँ नंबर भी शो हो रहा होगा, दोनों चीज़ मैंने आपके लिए डाल दिए, तो जल्दी से जाओ और बुकिंग करो, और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ऐसे ही और होटल्स के, होम स्टे के, और या फिर कॉटेज के चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस कहीं की भी, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए बनाऊंगी ना। तो इसी के साथ ये वाला करते हैं व्लॉग एंड, बाय।